दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां 4 प्रत्याशियों में से 2 महिला उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं। बिलासपुर से देवेंद्र यादव को कन्फर्म टिकट मिल चुकी है, तो वही कांकेर से बीरेश ठाकुर को मौका मिला है। दीपक बैज का टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। इसी के साथ ही शशि सिंह को सरगुजा से और साथ ही दूसरी महिला उम्मीदवार मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से यहां पर जो प्रत्याशी है बनाया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम इस लिस्ट में नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कांकेर से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहां से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव उम्मीदवार घोषित हुए हैं, साथ ही यहां पर मेनका देवी सिंह को टिकट मिला है रायगढ़ के लिए। साथ ही बात करें तो पहली सूची जो है शनिवार को आई थी, जिसमें बस्तर सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया गया था। वहीं अब टोटल की बात करें तो यहाँ पर सरगुजा से अगर बात करें तो शशि सिंह को, वहीं रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को, साथ ही देवेंद्र यादव बिलासपुर, कांकेर से बीरेश ठाकुर, विकास उपाध्याय रायपुर से, राजेंद्र साहू दुर्ग से, ताम्रधर साहू को महासमुंद से, साथ ही राजनांदगांव को भूपेश बघेल के जिम्मेदारी पे सौंपा गया है। कोरबा को ज्योत्सना महंत, साथ ही बस्तर कवासी लखमा और जांजगीर में से कुमार डहरिया यहाँ पर आमने सामने की बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, तोखन साहू, संतोष पांडे, चिंतामणि महाराज, राधेश्याम राठिया, भोजराज नाग, सरोज पांडे, इसी के साथ ही महेश कश्यप, कमलेश जांगड़े और रूप कुमारी चौधरी यहां आमने सामने होने जा रही हैं। रायपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मरीजों की संख्या 100 प्लस हो चुकी है। 3 बच्चियों समेत कुल 5 नए केसेस यहां रिकॉर्ड हुए हैं और पानी के सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है, जो कि काउसेस होता है डायरिया होने को लेकर के। दरअसल रायपुर के लाभांडे इलाके की संकल्प सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 5 नए मरीज मिले, जिनमें से 3 छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक डायरिया की बीमारी ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से हुई है। 11 महीने की बच्ची समेत कुल 5 नए मरीज मिलने के बाद अब संख्या 100 प्लस पहुंच चुकी है। वहीं डायरिया के डर की वजह से लोग कॉलोनी से पलायन करने को भी मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन अभी तक कॉलोनी में पानी की व्यवस्था के सुधार के लिए कोई इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। कॉलोनी में बोर के सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, जो कि अब तक अलग नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और लोगों में इतना खौफ है कि अब वे कॉलोनी भी छोड़कर जा रहे हैं। कॉलोनी में 323 घर में से सिर्फ 50 से 60 घरों में ही अब लोग रह रहे हैं। सभी अपने घरों में ताला लगाकर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं कोई अपने गांव चला गया है तो कोई कॉलोनी छोड़कर दूसरे जगह पर किराए पर रह रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने चेतावनी दी है 30 मार्च को बीजापुर बंद करने को लेकर ऐलान करते हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने जवानों पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए 30 मार्च को बीजापुर बंद करने का ऐलान किया है और इस बंद के ऐलान को लेकर नक्सलियों में बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। नक्सलियों के इस प्रेस नोट में साल 2024 के जनवरी महीने से लेकर अब तक कुल 15 लोगों की हत्या का आरोप जवानों पर लगाया गया है। नक्सलियों का कहना है कि इन सभी 15 लोगों की हत्या फर्जी भीड़ में की गई है। बता दें कि बस्तर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने को है और ऐसे में इस बीच नक्सलियों ने क्षेत्रीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए आंदोलनकारी बनते दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों ने इस बार 15 लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या बताते हुए 30 मार्च को बीजापुर जिले में बंद का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही नक्सलियों ने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 30 मार्च को बंद करने का ऐलान करते हुए प्रेस नोट जारी करते हुए इलाके की फोर्सेस पर आरोप लगाया है। साथ ही यह सरकार प्रदेश के आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर रही है। इसी के साथ ही फर्जी मुठभेड़ में गरीबी आदिवासियों को मारने का आरोप नक्सलियों ने प्रेस नोट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लगाया। फ्री बिजली स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि इसके लिए आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री लाभ दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। साथ ही सरकार लाभार्थियों की सब्सिडी भी देगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली
स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ परिवार को इसका लाभ दिया जाना है। इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा कि लोग डाकघर के माध्यम से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही सब्सिडी के बारे में भी सारी तमाम जानकारियां पा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए pmsuryaghar.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी दी गई है कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं, और इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने पर आपके पास पिछले 6 महीने के बिजली बिल अनिवार्यता होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि नई सोलर रूफटॉप स्कीम के अंतर्गत कंज्यूमर्स को 3 किलोवाट तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का रुपए बांटते हुए फोटो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर FIR दर्ज कर दी गई है। मंत्री केदार कश्यप ने इलेक्शन कमीशन से भी इसकी शिकायत कर दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन प्रकरण में निर्वाचन आयोग की ओर से कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज कर ली है। 2 दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक फोटो के आधार पर आयोग ने यह कार्यवाही की है। वायरल फोटो में जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान कवासी लखमा अपने हाथों से आयोजन समिति के लोगों को पैसे दिखाई देते जा सकते हैं। को लेकर बताया जा रहा है कि पास ही में खड़े कुछ लोगों ने तस्वीर अपने कैमरे में इसको लेकर वायरल कर दिया। भाजपा ने भी इसे मामले का मुद्दा बना दिया है। फोटो वायरल होने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की है। मंत्री की शिकायत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यह प्रकरण चुनाव आयोग के पास पहुंचा, जिसके बाद से 25 मार्च की देर शाम जगदलपुर सिटी कोतवाली में कवासी लखमा जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अंतर्गत यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सह आरोपित कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बस्तर सुशील मौर्य ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में वायरल फोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हुए थाने में FIR दर्ज की है, जबकि सच्चाई ये है कि कवासी लखमा दंतेश्वरी मंदिर गए हुए थे, जहां होलिका दहन समिति के कहने पर भगवान के नाम पर उन्होंने दान दिया था। और अब खबर आ रही है हाथियों के आतंक को लेकर के, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कई एकड़ की फसलों को, खड़ी फसलों को इन हाथियों ने नुकसान पहुंचा है। बात करें तो यहां पर जो है इन हाथियों का दल इन दिनों सुबह से विचरण कर रहा है, और इन फसलों को जैसा कि आप सभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। हाथियों का दल आगे आगे करके वाड्रफ नगर की ओर अटैक कर रहा है। दरअसल मामला ये जो है वाड्रफ नगर के गोवर्धनपुर और मेंढारी का है, जहां इन दिनों 10 हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं वन विभाग की उदासीनता की वजह से लोग यहां पर अपने फसलों को हाथियों को देने को मजबूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। कदम खींचने को अब आम आदमी पार्टी मजबूर होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली है। प्रदेश में पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषणा नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारे थे। इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों को उतारने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वहीं प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से जुड़ रहे आम आदमी पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता उम्मीद में थे कि पार्टी छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उन्हें दावेदारी जरूर मिलेगी, लेकिन पार्टी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भले ही हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का हम समर्थन करेंगे। और अब अगली खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां शराब के नशे में स्कूल पहुंचे गुरुजी को गुस्साए बच्चों ने सबक सिखाया, जूते चप्पल पत्थर फेंक करके इनको मार भगाया। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल रही है, जहां एक वीडियो में देखा जा सकता है कुछ स्कूली बच्चे बाइक सवार एक शख्स पर चप्पल फेंकते नजर आ रहे हैं। वही बाइक सवार तेजी से भागते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कोई और नहीं बल्कि शिक्षक है, जो कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचा हुआ था। इससे गुस्साए बच्चों ने शिक्षक पर जूते चप्पल फेंक कर उसे स्कूल से बाहर भगा दिया। ये वीडियो जगदलपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में जिस पर चप्पल फेंक कर मार रहे हैं उनका नाम उदय सिंह ठाकुर है। उदय सिंह पेशे से एक शिक्षक हैं और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बस्तर ब्लॉक के प्राथमिक शाला पल्ली भाटा में बतौर सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, और ये जो सारा मामला है वो यहीं का है।
बस्तर में सुरक्षा बल की दमदार उपस्थिति से लोकतंत्र का एक नया सूर्योदय होने की स्थिति है, क्योंकि 100 नए मतदान केंद्र में सुरक्षित मतदान कराने की जिम्मेदारी इस बार पुलिस फोर्सेस को, साथ ही जो टीम है यहां पर जो नक्सली मोर्चा संभालते हैं इनको सौंपी गई है। दंतेवाड़ा के श्यामागिरी के पास जोरदार धमाका और विधायक भीमा मंडावी की बुलेट प्रूफ वाहन के परखच्चे उड़ गए। लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 9 अप्रैल 2019 को नक्सलियों ने विस्फोट करके भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी। घटना की भयावहता से समझा जा सकता है कि बस्तर में चुनाव इतना मुश्किल क्यों है। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। तब से लेकर अब तक बस्तर ने लंबी दूरी तय कर ली है। सुरक्षा बल के जवानों ने शौर्य व रक्त की कीमत पर नक्सलियों के आधार क्षेत्र में 90 से अधिक सुरक्षा कैंप की स्थापना की है। वहीं 5 वर्ष में बस्तर ने लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नक्सलियों से मुक्त करा लिया है। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल खोलकर ग्रामीणों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे ग्रामीणों का भरोसा नक्सली तंत्र से टूटकर लोकतंत्र पर अब बढ़ता जा रहा है। वहीं नक्सलगढ़ के वनवासियों ने सिद्ध कर दिया है कि सुरक्षा बल की ताकतवर उपस्थिति से उनके अंदर नक्सलियों का भय अब कम हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद अब नक्सली और कमजोर हो चुके हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित गांव में पहली बार यहां जो है मतदान कराया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 100 से अधिक गाँव ऐसे होंगे जहाँ ग्रामीण अपने गाँव में ही मतदान कर सकेंगे। इनमें से दर्जनों गाँव ऐसे है जहाँ के ग्रामीणों ने 3 माह पहले विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। लोकसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर रूठों को मनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस उनका दरवाजा खटखटाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ को एक नए रूप में जो है और नए तेवर के साथ आ रही है, क्योंकि प्रदेश के युवा प्रभारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज और पुराने चेहरे लोकसभा में नया दाव लगाने की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उन नेताओं पर भी विचार करने में जुट गई थी जो काफी समय से बीत जाने के बाद भी अब भी जमीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को नाराजगी वाले नेताओं की लिस्ट में रखकर सबसे पहले इन्हें मनाने के लिए अपने घरों से निकलने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लेटरबाजी और सार्वजनिक तौर पर अपनों पर नाराजगी को लेकर बेहद परेशान है। कांग्रेस अब इस तरह के नेताओं को मनाने की कवायद में लगी हुई है। इन रूठे नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश के सीनियर दर्जे के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसे सभी नेताओं को जल्द से जल्द चुनाव मैदान में लाकर उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करने, लोकसभा में चुनाव में किस तरह से पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर काम करेगी ये आने वाले टाइम पर देखा जा सकता है। आईटी छापे में 3.25 करोड़ रुपए सीज हुए हैं। करोड़ों रुपए की हुंडी यहां पर पड़ताल जारी है। कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े फाइनेंस ब्रोकर कारोबारियों के यहां पिछले 2 दिनों में रायपुर में छापेमारी की कार्यवाही की गई, जहां आईटी अफसरों ने तकरीबन 3.20 करोड़ रुपए कैशेस को सीज किया है। साथ ही कारोबारियों के ठिकानों से जब्त करोड़ों रुपए की हुंडी की जाँच की जा रही है। आयकर अफसरों ने कारोबारियों के यहां कितने करोड़ रुपए की हुंडी जब्त की है, इसके लिए अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्र के मुताबिक हुंडी की पड़ताल के बाद से ही पता चल पाएगा कि कारोबारियों के यहां से कितने की हुंडी जब्त की गई है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम पखवाड़े में टैक्स चोरी करने के आरोप में कंस्ट्रक्शन के साथ ही फाइनेंस ब्रोकर कारोबार से जुड़े सुंदर कंस्ट्रक्शन के प्रकाश लुनिया के, लाविस्टा और चंद्रकांत अग्रवाल के कटोरा तारा स्थित निवास और कार्यालय सहित राजनांदगांव के फाइनेंस ब्रोकर रियल एस्टेट कारोबारी संजय शर्मा के घर तथा ऑफिस में आयकर अफसरों की तकरीबन 1.5 दर्जन कंपनियों की कर्मियों की टीम ने गुरुवार को जो है छापेमार की कार्यवाही की थी, जो अब तक जारी है और अभी तक पूरी डिटेल डिस्क्लोज नहीं हो पाई है।